वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस बच गया है एक्सरसाइज 5.2 में, जिसको कि हम क्लास में डिस्कस करेंगे। वो सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूटी पे बेस्ड है, मतलब जो लोग कंटिन्यूटी पढ़े हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा। हम इसी वीडियो लेक्चर में भी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन नहीं किए, इसलिए उसके कुछ पार्ट्स को रखने देंगे, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में एक्चुअली कहा क्या गया, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। 5.3 में आपके पास क्वेश्चंस होगा, फाइंड करना होगा dy/dx। यहाँ पर dy/dx का मतलब आपको पता है कि क्या होता है। यहाँ dy/dx का सीधा मतलब है कि y को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले आपके पास अभी तक क्वेश्चंस जो मिल रहे थे वो सभी क्वेश्चंस में सारा टर्म्स x के रिस्पेक्ट में था और हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस अलग मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसको कि आपको y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब y को तो डिफरेंशिएट करना, मतलब किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ क्या बता रहा है dy/dx, मतलब y को भी डिफरेंशिएट करना है बट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो अब आपके पास जो भी टर्म्स होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन का प्रोसेस क्या होगा तो उसको हम समझेंगे। बेसिकली दो रूल है उसमें, उस दोनों रूल को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाने के लिए सबसे पहला रूल हमारा क्या है, सबसे पहले बोलता है कि x और, समझेंगे ध्यान से बात को, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चंस में कहना चाह रहा है कि आपके पास जो x और y होगा, x और y में से दिए गए रिलेशन को, x और y में दिए गए रिलेशन को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें। मतलब क्या हुआ समझेंगे, मतलब साफ है कि आपको x और y में दिए गए रिलेशन को, मतलब x और y का जो रिलेशन दिया गया, कैसा रिलेशन, तो मैथमेटिक्स में रिलेशन प्लस का होता है, माइनस का होता है, मल्टीप्लिकेशन का होगा, डिवीजन का होगा, उसके बारे में बात कर रहा है। रिलेशन को x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करें, तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ x और y में जो भी दिया गया है रिलेशंस, x और y प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, सबको डिफरेंशिएट करना है किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, ठीक है। सापेक्ष का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसको हिंदी में बोलते हैं x के सापेक्ष में। सेकेंड प्रोसेस क्या है इसके, सेकेंड प्रोसेस इसमें बताया गया है आपको, बोला इसके बाद dy/dx वाले टर्म्स को LHS, dy/dx वाले टर्म्स को LHS तथा बिना dy/dx वाले टर्म्स को RHS ले जाएं, तब वहां से dy/dx का मान प्राप्त करें। मतलब आप पहला प्रोसेस में x और y में जो भी संबंध रहेगा सभी को डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में, उसके बाद आप dy/dx का जितना भी टर्म्स होगा उसको हम LHS में रखेंगे और बिना dy/dx वाले टर्म्स को हम RHS ले जाएंगे, ठीक है। वहां से dy/dx का मान प्राप्त करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वहां से हम क्या फाइंड करेंगे, dy/dx का रिजल्ट फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसके लिए कंप्लीट जो दिया गया है इसको आप सबसे पहले लिख लीजिए, तब आगे आपको समझ में आएगा। तो पहला दोनों रूल को लिख लेंगे, है ना। तो अब इस प्रकार से हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है वो हम समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चंस पूछता है आपसे, बुक का सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, फाइंड dy/dx। क्या फाइंड करना है आपको, dy/dx फाइंड करना है। और आपके पास क्वेश्चन है इस प्रकार, 2x+3y = sin x। ध्यान से देखिएगा इस चीज को।
आपको सबसे पहला जो स्टेटमेंट हम लिखा है उस स्टेटमेंट पे जाएंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या था कि एक्स और वाई में दिए गए रिलेशन को एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करें। यहाँ एक्स और वाई किस प्रकार का रिलेशन में है, प्लस का रिलेशन में, तो एक्स को भी डिफरेंशिएट करना है और वाई को भी डिफरेंशिएट करना है। फिर क्या करना है, फिर बोला इसके बाद dy / dx को LHS में रखना है, dy / dx का जिसमें टर्म्स नहीं होगा उसको RHS में लाएंगे, फिर वहां से हमको क्या मिल जाएगा, dy / dx मिलेगा। तो क्वेश्चंस बनाने से पहले हम थोड़ा सा सीखते हैं कि y को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट। तो सबसे पहले कुछ हम एग्जांपल के तौर पे कुछ लिखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम कि मान लिया जाए आपके पास लिखा हुआ है y स्क्वायर और आपको बोला गया है इसको डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, मतलब लिखा है डिफरेंशिएशन y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका सीधा मीनिंग है d / dx, किसको डिफरेंशिएट करना है, y स्क्वायर होती है, यहां पे क्या लिखेंगे y स्क्वायर। तो हम पढ़ चुके हैं पीछे के एक्सरसाइज में कि y को x डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, लेकिन हम मैथमेटिक्स में जानते हैं कि नीड के अनुसार से, जरूरत के अनुसार से हम, अगर हमारा यहाँ dy है, dy स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं। अगर आप कुछ डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं d अपॉन dy और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, इट मीन्स हम एक्स्ट्रा क्या किया यहाँ पे, जो dx था उसके प्लेस पे क्या लिख रहे थे, dy डिवाइड। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे dy, और पहले से क्या था हमारे पास dx, इसलिए डिवाइड में क्या आएगा, dx आएगा। आप चाहें तो इस चीज को, जो टर्म्स है, इस टर्म को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, dy dy क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास जो टर्म्स था सेम वही टर्म्स बच रहा है, यानी देखिए तो क्या लिखा हुआ dy स्क्वायर / dx। तो हम इस टर्म को इतना लिख सकते हैं, जब हम इस टर्म को इतना लिख सकते हैं तो हम इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अब रूल के अनुसार जान रहे हैं क्या है, y है तो y को डिफरेंशिएट करेगा, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या मिलेगा, तो यहां पर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मिलेगा हमको 2y और 2 माइनस 1 और साथ में रेस्ट में क्या बचा हुआ, dy / dx। यहां पे क्या लिखेंगे, dy / dx, मतलब कभी भी किसी भी प्लेस पे अगर y को डिफरेंशिएट करना होगा तो हमारे पास रिजल्ट में मल्टीप्लाई क्या करना होगा, dy / dx। हमेशा जब भी आपको किसी भी टर्म्स में अगर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, dy / dx लिखेंगे। किसी भी टर्म्स में अगर आपके पास y आया है तो आप उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट इन लास्ट मल्टीप्लीकेशन यू हैव टू एड dy / dx। तो सबसे पहले आपको हमेशा प्रोसेस ये हुआ, लेकिन हर बार हम जब भी y को डिफरेंशिएट करेंगे तो साथ में क्या लिखेंगे, dy / dx, ठीक है। जैसे इसके बेसिस पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं और समझते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास था x into y, अब आपको बताया गया है, दिया गया है क्वेश्चन कि x into y को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। आपके पास क्या पूछा है, डिफरेंशिएशन ऑफ x into y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब फिर से आपको डिफरेंशिएट करना है x into y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, समझ गए, बोले हाँ ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना है x into y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हमारा ये प्रोसेस क्या है, दो अलग अलग फंक्शन है, एक x है एक y है, तो हम पढ़ चुके हैं u into v का एक रिजल्ट, एक फॉर्मूला क्या होता था, u v दो टाइम लिखते थे, u और v को दो टाइम लिखेंगे, एक बार v पे डैश एक बार u पे डैश, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करते हैं, सेम टेक्निक को यहाँ पे यूज करेंगे, इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम अगर इसको डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे d / dx, इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x into y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या किए, डिफरेंशिएट कर रहे हैं x into y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, थैंक यू। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप बताइए यहाँ पे जो रूल के अनुसार क्या बोलता है, पहले आप u को लिखिए। तो u हमारे पास, u का काम कौन कर रहा है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं क्या, एज इट इज u, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग v।
तो हम पहले u को रखते हैं, तो यहां पे क्या रखेंगे, x को रखेंगे, और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, तो हमको डिफरेंशिएट v' को करना, तो v' हमारे पास क्या है, y, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, d upon dx और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, y, ठीक है। अब प्लस है तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्लस, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं यहां पे, अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, u डैश, मतलब u का डिफरेंशिएशन, तो u हमारे पास क्या, x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, 1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 into v, v क्या है हमारे पास, y, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, y। इस प्रकार हमें x into y का डिफरेंशिएशन मिला, x into dy upon dx plus क्या, y, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, किसका, x into y का डिफरेंशिएशन हो गया। हम यहां से फाइंड क्या किए, हम x into y बराबर x into dy upon dx plus y, तो इसी प्रकार से आपके पास आगे जाएंगे तो टर्म्स में कभी x square plus into y square मिलेगा, मतलब रिलेशन x और y का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ही मिल सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ एक्सरसाइज 5.3 का, ठीक है। जैसे कि हम यहां पर सबसे पहले जो भी पढ़े उसको लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों रूल को आपको लिखना था, फिर यहां से जो समझाए थे आप यहां पर समझेंगे, तेजस ध्यान से सुनना, क्या हमारा डिफरेंशिएशन y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू, बोलो, x, ठीक है। तो y स्क्वायर को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो y x के रिस्पेक्ट में होता नहीं है, तो हम यहां अपने वन से डिवाइड किससे किए थे, dy, यहां अपने वन से मल्टीप्लाई क्या करना था, dy, क्योंकि जब dy dy कैंसिल होगा क्या होगा, सेम रिजल्ट बचेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखिए dy स्क्वायर अपॉन dx इक्वल्स टू 2y स्क्वायर into dy upon dx बचा, तो मतलब जब भी y को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट में dy upon dx बचेगा। उसी के बेसिस पे हम एक और क्वेश्चन लिए थे, तो क्वेश्चन क्या लिए थे हम ध्यान से देखेंगे यहां, क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, तो हम क्वेश्चन क्या लिए हैं, क्वेश्चन लिए हैं डिफरेंशिएट किसको करना है, हमको x into y को डिफरेंशिएट करना है ना, क्या डिफरेंशिएट करना है, x into y को डिफरेंशिएट करना है। तो हम देख लिए यहां पर x को u माने, y को v माने, और u into v का u v dash plus u dash v, तो x dy upon dx y को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट plus 1 into y, तो लिख दिया x into dy upon dx plus y। आप इस टर्म को इसे ऐसे लिख सकते हैं, x into क्या, y dash, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं dy upon dx को क्या लिखते हैं, y dash, है ना, plus y, ठीक है। तो ये हमारा x into y का रिजल्ट मिला, तो आप सबसे पहले इसको लिख लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे और समझेंगे अच्छे से, ठीक है, क्वेश्चंस को। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड dy upon dx, क्या था क्वेश्चन, फाइंड dy upon dx ऑफ, इसका फाइंड करना है हमको 2x plus 3y equals to sin x। तो सबसे पहले रूल के अनुसार क्या बोलता है, रूल बोल रहा है कि आप x और y में जो भी रिलेशन है डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन करने के बाद dy upon dx के टर्म्स को LHS में रखेंगे और बिना dy upon dx टर्म्स को RHS में रखेंगे। तो हम यहां सबसे पहले हेडलाइन क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिख दिया हम यहां, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां सबसे पहले इसको अगर हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम कंप्लीट तरीके से लिखते हैं, तो 2x का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, कांस्टेंट था 2 तो बाहर हो गया, और d upon dx डिफरेंशिएशन ऑफ x लिख दिए, प्लस 3 कांस्टेंट था तो ये बाहर आ गया। अब डिफरेंशिएट किसको करना है, y को, तो d upon dx डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट किसको करना है, साइन, इसमें कुछ कांस्टेंट नहीं है तो कुछ बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ क्या लिखें, d upon dx डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। इस प्रकार अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 हमारा 2 ही रहेगा मल्टीप्लाई में, तो कांस्टेंट जो था x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, प्लस 3 रहेगा। dy upon dx को कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा dy upon dx के ही फॉर्म में चाहिए, ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे dy upon dx
इक्वल्स टू, अब हम आपको डिफरेंशिएट करना है साइन का, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, cos x ठीक है। जब हम इसको डिफरेंशिएट किए तो अब जो हमारे पास टर्म बचेगा, हमको क्वेश्चंस में क्या बोला था कि dy / dx के टर्म्स को LHS में रखना है, जिसमें dy / dx नहीं उसको हम RHS में लेंगे। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग 3dy / dx LHS में रख लिए, और ये जो हमारा 2 into 1 2 है, ये प्लस में इधर ऐड क्या हो गया माइनस, यहां क्या लिखेंगे cos x - 2। इस प्रकार से हमें dy / dx सिर्फ चाहिए, तो इधर जो 3 मल्टीप्लाई था इधर आएगा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहां पे cos x - 2 / 3। दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.3। तो हमारा एक्सरसाइज 5.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन ये हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन है ये ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में देख सकते हैं क्या था हमारा, सिंपल है, डिफरेंशिएशन करना था, जैसे से करते गए रिजल्ट में dy / dx आई, इधर 3 मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड हो गया, तो cos x - 2 / 3 हमारा रिजल्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम है, थैंक यू ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चंस नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड सेम थिंग dy / dx एंड द क्वेश्चन इज 2x plus 3y equals to sin y, okay? तो हम इसको differentiate करेंगे। तो सबसे first process क्या था? Simple, हम यहाँ पे statement में सबसे पहले क्या लिखते हैं? Differentiation with respect to x, y, because of we have to find dy / dx. It means I have to differentiate y with respect to x, okay? The solution is now constant term is 2, that's why that is in multiply d / dx differentiation of x plus 3 d / dx a differentiation of y equals to d / dx a differentiation of sine y. Now we have to see where we are facing the problem. So 2 into dy / dx of x and the differentiation of x is 1, that is 2 into 1 plus 3 into dy / dx. Now we have to see here dy / dx, 3 into dy / dx, 3 into dy / dx equals to sin y को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे d / dy और यहाँ पे क्या है sin y, यहाँ पे sin y होगा, डिवाइड में dy लिखे हैं इसलिए मल्टीप्लाई में dy लिखना होगा, ऑलरेडी डिवाइड में dx था इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं 2 into 1 क्या हो गया 2 हो गया और 3 into dy / dx equals to sin y का डिफरेंशिएशन होता है cos y, cos y और साथ में क्या बचा हमारे पास dy / dx। यहां तक हमारा फर्स्ट रूल कंप्लीट हुआ। सेकंड रूल क्या बोलता है? सेकंड रूल बोलता है कि आपको dy / dx के टर्म्स को हम क्या करते हैं, dy / dx वाले टर्म्स को LHS की ओर ले जाते हैं और बिना dy / dx को RHS की साइड लाते हैं। तो जो हमारा ये टर्म है dy / dx इक्वल किधर ले जाएंगे, तो हमारे पास dy / dx कॉमन मिलेगा क्योंकि दो टर्म्स में है, तो dy / dx जो हमारे पास कॉमन मिला तो dy / dx के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास 3, इधर dy / dx के साथ मल्टीप्लाई cos y था इक्वल किधर गया क्या हो गया माइनस, यहां पे क्या लिखे माइनस cos y। अब यहां पर ये जो 2 हमारा बिना dy / dx का है इसको हम कहां ले जाएंगे RHS की ओर, तो 2 जो इधर प्लस इधर आया क्या होगा माइनस, क्या लिखे यहां पे माइनस 2। नाउ हमें सिर्फ रिजल्ट में dy / dx चाहिए इसलिए इधर जो मल्टीप्लाई किया हुआ है इधर आया क्या हुआ डिवाइड हो जाएगा, तो dy / dx equals to क्या मिलेगा minus 2 / 3 minus cos y। यहां पे अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 2 / cos y minus 3, दिस इज योर आंसर, सो प्लीज नोट डाउन।
सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 5.3 एक्सरसाइज। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में आएंगे और देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर थर्ड, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास दिया गया है एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई। हेलो, हाँ वही क्लास वीडियो होगा, हाँ हो गया ठीक है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन है एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। तो सबसे पहले हम इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। आपको पहला रूल बताता है कि जो भी रिलेशन एक्स वाई में है सभी को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो सबसे पहले स्टेटमेंट सॉल्यूशंस में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस में लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर ए एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, ए कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, बचा हमारे पास डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस बी कांस्टेंट है, बी बाहर होगा, डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर है ठीक है, इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस वाई। ओके नाउ अब हम देखते हैं कि कौन ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशिएट एक्स से हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखें फर्स्ट टर्म में था a इंटू एक्स, एक्स का डिफरेंस वन हुआ इसलिए a इंटू क्या हो गया रिजल्ट यहाँ वन प्लस b कांस्टेंट बाहर था, बाहर ही रहेगा, क्या x y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेगा, नहीं। क्या हमको रिजल्ट में y स्क्वायर डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स आई, नहीं। तो हम y को डिफरेंशिएट करेंगे इसलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं डी अपॉन डी वाई, और यहाँ पे क्या करेंगे वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, साथ में हम यहाँ डिवाइड किए हैं डिवाइड से, तो यहाँ डिवाइड क्या करना पड़ा मल्टीप्लाई बाय क्या लिख रहे हैं यहाँ डी एक्स। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, क्या कॉस वाई डिफरेंशिएट हुआ एक्स के रिस्पेक्ट में, नहीं। यहाँ पे क्या लिखे डी अपॉन डी वाई और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कॉस वाई, और वाई जो डिवाइड किए इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये एक्यूरेट प्रोसेस में है, जो जिसके साथ डिफरेंशिएट होना था वो उसके साथ डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ फिर से a into 1 a हो गया प्लस b y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा 2y, साथ में क्या बचेगा dy upon dx equals to cos y का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन y तो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ माइनस साइन वाई इंटू कॉस वाई का तो हो गया माइनस साइन, साथ में क्या बचा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो दिया गया टर्म्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं वाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स को कहाँ ले जाना है एलएचएस में, और जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स करनी है उसको हम कहाँ लाएंगे आरएचएस में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास जो जो मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखते चाहेंगे क्या मल्टीप्लाई टू बी वाई। ओके इधर जो माइनस साइन वाई है बराबर की तरह क्या होगा प्लस साइन वाई ठीक है, बिना डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स जो इधर है बराबर की तरह क्या होगा, जो प्लस है वो इधर आएगा क्या होगा माइनस। अब हमें क्या फाइंड करना था ओनली डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या मिला माइनस ए बाय टू बी वाई प्लस साइन वाई। इस प्रकार से हमारा dy / dx का रिजल्ट क्या आ गया माइनस ए बाय टू बी वाई प्लस साइन वाई। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए आप ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था ठीक है, तो
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे और क्या बोलता है देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइंड dy अपॉन dx। क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड dy अपॉन dx ऑफ x इंटू वाई प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू tan x प्लस y, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हम तो हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हमको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। हमारे पास क्या है, x into y, तो हम x into y में क्या रूल लगना है, u into v का, u into v का फॉर्मूला मालूम है, u v को दो टाइम लिखते हैं, एक बार v पे डैश होगा एक बार u पे डैश होगा, ये हमारे u into v का फॉर्मूला है। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे रूल के अनुसार, तो सबसे पहले लिखते हैं d अपॉन dx और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, x into y प्लस d अपॉन dx डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू d अपॉन dx डिफरेंशिएशन ऑफ 10x प्लस d अपॉन dx डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो यहाँ किस प्रकार से डिफरेंशिएशन करते हैं वो हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चंस में था x into y, तो रूल क्या ना, x u into v का रूल हम क्या पढ़े थे, हम u into रूल का पढ़े हैं, u into v का रूल क्या था, u v dash plus v u dash। इस प्रकार इस टर्म्स को हम क्या लिखते हैं, पहले हम u को रखेंगे, u एज्यूम कर लेते हैं, u को क्या मान लेते हैं x, और v को क्या मान लेते हैं।